Welcome to Management Concepts. In this video, we'll discuss about Frank and Lillian Gilbreath. So he's Frank and she's Gilbreath. They were popularly known as their time and motion studies. He was an American engineer, consultant, and author. Both he and his wife Lillian Muller Gilbreath were industrial engineers. They studied on motion studies and human factor. They originated micro-motion study, a breakdown of work into fundamental elements now called thermbleaks, derived from Gilbreath spelled backward. अगर आपने देखा कि thermbleaks जो word है वो Gilbreath को reverse order में लिखने के बाद तैयार हुआ है, and this is unique word जो इन दोनों ने तैयार किया. These elements were studied by means of motion picture camera and a timing device which indicated the time intervals on the film as it was exposed. अगर आपने देखा यहाँ पे इस पिक्चर में जो लाइनिंग्स दिख रहे हैं आपको, वाइट लाइनिंग्स, तो वो पिक्चर्स कैमरा से, स्लो मोशन कैमरा से, मोशन पिक्चर कैमरा से फिल्म किया गया एक फिल्म था, और ये जो लाइनिंग्स है वो मोशन इंडिकेट कर रहे हैं जो उस वर्कर ने काम करते टाइम किए थे. He had been watching how bricklayers laid bricks, observing as many as 18 independent movements. Gilbreath would later label these motions thermbleaks. ये thermbleak जो word है ये Gilbreath ने identify किया था, और ये किसको बोला गया था, जो 18 independent movement का मतलब ये है कि अगर कोई इंसान कुछ काम कर रहा है तो काम करते करते उसके जो मूवमेंट होती है, हैंड मूवमेंट, बॉडी मूवमेंट, पूरे बॉडी पार्ट्स का जो मूवमेंट होता है वो उन्होंने आइडेंटिफाई किया और उनको 18 डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया. तो इसीलिए उस पूरे कलेक्टिवली मूवमेंट्स को बोला गया है थर्बलिग्स. बाय डेवलपिंग अनस्किल्ड लेबरर्स, Gilbreath रेडिकली रिड्यूस द नंबर ऑफ मोशंस एंड इंक्रीज ब्रिक लेइंग रेट्स फ्रॉम 1000 पर आवर टू 2700 पर आवर. अब इसमें उन्होंने क्या किया कि जो अननेसेसरी मोशंस थे, मूवमेंट्स थे, वो उन्होंने स्क्रैप किए, बाहर निकाल दिए. तो उन्होंने प्रूव क्या किया कि अगर आपने अननेसेसरी मूवमेंट को यूज़ नहीं किया काम करते टाइम पे तो आपका परफॉर्मेंस इंक्रीज होगा. तो उन्होंने ऐसे बताया कि अगर पहले लोग जो लोग ब्रिक लेइंग का काम करते थे वॉल बनाने के लिए, तो वो एक घंटे में 1000 ब्रिक्स को ले कर पाते थे, बना पाते थे. और जब उन्होंने ये अननेसेसरी मूवमेंट स्किप किए तो उसके बाद वो एक घंटे में 2700 ब्रिक्स को ले कर पाते थे. ओके, नाउ Gilbreath बिलीव दैट कंपनीज विच गेन फ्रॉम हिज टाइम सेविंग एडवाइस शुड शेयर द प्रॉफिट विद एम्प्लॉयज रैदर दैट यूज द गेन ओनली टू इंक्रीज प्रॉफिट. ये बहुत ही अच्छे इंसान थे. उन्होंने क्या बोला कि मैं अगर आपकी कंपनी में आके स्टडी कर रहा हूँ, अगर मैं आपको बता रहा हूँ, आपका टाइम सेव कर रहा हूँ तो, और आपके वर्कर्स के प्रोडक्टिविटी को बढ़ा रहा हूँ, तो उसके वजह से जो आपका प्रॉफिट बढ़ेगा तो वो प्रॉफिट आप वर्कर्स में शेयर करो, ये उनका मानना था. सो ही ओनली कॉन्ट्रैक्टेड विथ कंपनीज दैट प्रॉमिस्ड टू इंक्रीज वेजेस वेयर हिज मेथड्स ब्रॉट रिजल्ट्स. तो उन्होंने क्या किया, बहुत ही होशियार इंसान थे, उन्होंने क्या किया कि ऐसे ही कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि ऐसे कंपनी ने Gilbreath को प्रॉमिस किया था कि अगर उनके रिजल्ट्स के बाद कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा, अगर उन्होंने जो सजेशन दिए उसके बाद अगर कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा तो वो प्रॉफिट वर्कर्स में शेयर किया जाएगा. उसी कंपनी के साथ Gilbreath ने कॉन्ट्रैक्ट किया और उनको एडवाइस दिया, कंसल्टेशन किया वहाँ पर. टाइम एंड मोशन स्टडीज़, ये था वो एक्सपेरिमेंट जहाँ पर Gilbreath ने ऑब्जर्वेशन किया. अब यहाँ पे अगर आप देख सकते हो तो एक वर्कर है जो ब्रिक लेइंग का काम कर रहा है, जो ब्रिक्स यहाँ पे रखी है उससे वॉल बनाने का काम वो कर रहे हैं. जैसे साइड में ब्रिक्स रखी रहती है उसको उठा के फिर वो वॉल बनाते हैं. तो उन्होंने क्या किया, Gilbreath ने क्या किया, यहाँ पे देखो ये वर्कर है और ये वर्कर्स ब्रिक लेइंग का काम कर रहा है. ओके, तो ये नीचे झुका, उन्होंने वो जो सैंड है वो वहाँ पर लिया, उस ब्रिक को उस वॉल पर लगाया, उसको ठीक से रखा और मैनेज किया, लेवल किया, वापस से वो नीचे झुके ब्रिक को उठाया, वापस ब्रिक के बाद उन्होंने वो सैंड उठाया, फिर से ब्रिक को रखा. और यहाँ पे साइड में देख रहे हो आप, यहाँ पे जो क्लॉक है
स्टॉप वॉच जिसको आप बोलोगे, यहाँ पे देखिए ये स्टॉप वॉच ये टाइम काउंट कर रही है कि कितना टाइमिंग में वो वहाँ पे यूज़ हो रहा है, वहाँ पे उसको ब्रिक लगाने के लिए कितना टाइम वहाँ पे लग रहा है। तो ये पूरा स्टडी था, उसके बाद उन्होंने ऑब्जर्वेशंस किए थे। उसके बाद बेसिक मोशन एलिमेंट इज़ वन ऑफ द सेट फॉर फंडामेंटल मोशन रिक्वायर्ड फॉर ए वर्कर टू परफॉर्म ए मैनुअल ऑपरेशंस और टास्क। द सेट कंसिस्ट ऑफ 18 ईच डिस्क्राइबिंग स्टैंडर्डाइज एक्टिविटी। यहाँ पे उन्होंने एक टाइपराइटर का भी ऑब्जर्वेशन किया था, टाइपिस्ट जो होते हैं उनको टाइप करने के टाइम पे क्या क्या मोमेंट्स होते हैं, यहाँ पे भी आप देख रहे हो वो क्लॉक जो है यहाँ पे भी है। थर्बलिग्स, जो अभी मैं बता रहा था आपको बार बार कि थर्बलिग्स क्या है, जो गिलब्रिथ ने आइडेंटिफाई किया स्टडी के बाद 18 डिफरेंट टाइप्स के मोशंस होते हैं। तो वो मोशंस कौन से थे, वो ये थे, सर्च, फाइंड, सिलेक्ट, ग्राफ्स, होल्ड, ट्रांसपोर्ट लोडेड, ट्रांसपोर्ट एम्प्टी, पोजिशन, असेंबल, यूज, डिसअसेंबल, इंस्पेक्ट, प्रीपोजिशन, रिलीज लोड, अनअवॉइडेबल डिले, अवॉइडेबल डिले, प्लान एंड रेस्ट। ये थे वो 18 डिफरेंट मोशंस जो गिलब्रिथ ने आइडेंटिफाई किए थे उनके स्टडीज़ में। और इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है जिसमें आपको ये पता चलेगा कि सर्च मतलब क्या है, फाइंड मतलब क्या है, इसके सिंबल्स क्या है, उसके एग्जांपल्स क्या है, हर एक मोशन दूसरे मोशन से कैसा डिफरेंट है। तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया है, वो लिंक को क्लिक करके भी आप ये डिटेल इन्फॉर्मेशन देख सकते हो। इसको बोला गया है थर्बलिग्स। ओके, नाउ अगर हमें समराइज करना है फ्रैंक एंड लिलियन गिलब्रिथ का वर्क, सो हाउ कैन वी समराइज इट। तो रिड्यूस द नंबर ऑफ मोशन इन ए टास्क। सबसे पहले तो जो आप काम कर रहे हो वो काम करते टाइम जो अननेसेसरी मोमेंट्स है, मोशंस है, वो आपको रिड्यूस करनी पड़ेंगी। उसके बाद आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा, आपके एम्प्लॉयज की इफिशेंसी बढ़ेगी। फोकस ऑन द इंक्रीमेंटल स्टडी ऑफ मोशंस एंड टाइम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंक्रीमेंटल स्टडी करना पड़ेगा आपको। इंक्रीज इफिशेंसी टू इंक्रीज प्रॉफिट एंड वर्कर्स सेटिस्फैक्शन। आपको वर्कर्स की इफिशेंसी इंक्रीज करनी पड़ेगी अगर आपको प्रॉफिट इंक्रीज करना है तो, और वर्कर्स को सेटिस्फाई भी करना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच ये वीडियो देखने के लिए, और ऐसे ही वीडियोस और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन देखने के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, फेसबुक पेज लाइक कर सकते हो, लिंक्डइन पे ज्वाइन कर सकते हो, आप हमें ईमेल भी भेज सकते हो, और आप हमारे वेबसाइट को विजिट भी कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।